जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका अपना YouTube चैनल द कंपटीशन एंड फिटनेस हब में। तो आज मैं बात करूंगा कि लेग्स में जो दर्द होता है यार रनिंग के बाद, वो कैसे दूर हो, उसके कारण क्या हैं और उसका निवारण क्या है। तो आज मैं दोनों के बारे में ही आपको बताऊंगा कि किस कारण से आपके लेग्स में दर्द होता है जब आप रनिंग करने जाते हैं, और क्यों होता है और उसका कैसे ठीक करें। तो मैं बताता हूँ कि जब हम लोग रनिंग करने यार जाते हैं तो पहले दिन जैसे हम दौड़े 500 मीटर 600 मीटर तो दौड़ लिए, और दूसरे दिन जो अचानक से ही हम अपनी रनिंग की वो डिस्टेंस बढ़ा देते हैं, तो ये भी एक बहुत बड़ा कारण है जिसके कारण अपने लेग्स में दर्द होने लगता है। तो हम लोग को क्या करना है कि स्पीड को धीरे धीरे बढ़ाना है, ना कि अचानक से या दूसरे तीसरे दिन ही रनिंग के बाद से आपको स्पीड इंक्रीज कर देनी है और डिस्टेंस बढ़ा देनी है। तो स्पीड भी नॉर्मल रखनी है और डिस्टेंस भी धीरे धीरे ही आपको बढ़ानी है, ना कि आज जैसे 500 मीटर दौड़े हैं तो अगले दिन जाके 1 किलोमीटर या तीसरे दिन जाके 2.5 किलोमीटर या 2 किलोमीटर दौड़ने लगे। तो इस कारण से भी जो हमारी ये मांसपेशियां हैं इसमें खिंचाव आने लगता है, जो काफ्स होते हैं इसमें खिंचाव आने लगता है, इस कारण से भी दर्द होने लगता है। और जब रनिंग करनी है तो पंजे के बल लैंड करना है, ना कि यूं यूं दौड़ना है। जब आप दौड़े तो कुछ इस तरीके से पंजा आपका लैंड होना चाहिए, इस तरीके से यूं। कुछ लोगों को जैसे अंगूठे के बल पैर के अंगूठे के बल ऐसा लैंडिंग होती है जिससे पैर ही टेढ़ा होता है, हड्डी में खिंचाव आता है, जो मांस में खिंचाव आता है, इस कारण से दर्द होने लगता है अपने काफ्स में। तो जब आपको दौड़ना है तो यूं ध्यान रखना है कि जब लैंड करें पैर, जब यूं दौड़े तो पंजे को यूं इस तरीके से लैंड करें, जिसके कारण आपको बहुत हद तक आराम मिलेगा पैरों में दर्द के कारण। और जिनका यार ओवरवेट है, ओवरवेट के कारण मसल्स पर बहुत ज्यादा दबाव पड़ता है जिस कारण से हमारे पैरों में दर्द होता है, तो उनको ध्यान रखना है यार अपने वेट को पहले कंट्रोल करना है, धीरे धीरे रनिंग करनी है, पहले कोशिश करना है कि टहलना है और भी वर्कआउट करने हैं जिसके कारण उनका वेट में कंट्रोल हो। अगर वेट में कंट्रोल होगा तो यार जब देखो कोई भी भारी चीज है पूरा वजन तो पैरों पर ही आना है ना, तो इस कारण से भी उनके पैरों में काफी दर्द होता है जो लोग ओवरवेट हैं। और एक बात और ध्यान रखनी है कि फ्लैट जगह पर दौड़ना है, यानी कि समतल जगह पर दौड़ना है, ऊबड़ खाबड़ जमीनों पर नहीं दौड़ना है। जैसे काफी रोड पे हम लोग दौड़ते हैं तो रोड दोनों तरफ से झुका होता है, तो एक पैर तो अपना सीधा जाता है, दूसरा पैर थोड़ा कर्व में थोड़ा झुका हुआ होता है, इस कारण से जो एक पैर का मुड़ा होता है तो उस पैर पे काफी दर्द होता है, इधर साइड पीछे साइड यहाँ पे काफी दर्द होता है। तो अपने को ध्यान रखना है कि फ्लैट जगह पर ही दौड़ना है, रनिंग जो करनी है फ्लैट जगह पर करनी है, ज्यादा ओवर पावर ना हो। मैं ये नहीं कहूंगा कि बिल्कुल फ्लैट ही होना चाहिए, तो ऐसा भी नहीं है, थोड़ा बहुत हो, लेकिन ध्यान रखना है कि आपको फ्लैट जगह पर और पंजे की लैंडिंग जो हो बिल्कुल स्टैग में हो, उससे आपकी स्पीड भी इंक्रीज होगी और दर्द में भी नहीं होगा, जो स्प्लिंग पेन होता है वो नहीं होगा। और रनिंग के बाद यार स्ट्रेचिंग मस्ट है, ये करनी ही करनी है आपको, स्ट्रेचिंग करनी पड़ेगी। अगर रनिंग के बाद आप स्ट्रेचिंग करते हैं तो जो खिंचाव आ जाता है अपनी मांसपेशियों में उसमें आराम मिल जाता है, और जो खिंचाव हम लोग स्ट्रेचिंग करते हैं तो उससे काफी हद तक दर्द में बहुत ज्यादा आराम मिलता है। जो लड़के रनिंग के बाद सीधे घर चले गए, लेट गए जाके या कुछ भी करने लगे, तो उनके पैरों में काफी हद तक दर्द होता है, और रनिंग के बाद अगर स्ट्रेचिंग आप करते हैं तो बहुत आराम मिलेगा। ना मानिए तो आप फर्स्ट डे को अगर दौड़ने जाते हैं तो आज से ही ट्राई करें, तो पहले दिन से ही असर दिखाई पड़ देने लगेगा। और जिनको यार ज्यादा दर्द हो रहा है, शुरुआत में ही रनिंग करी, कभी नहीं करी है, रनिंग कर रहे हैं, तो वो रनिंग के बाद आइस ले लें, या थोड़ी एक बाउल में आइस ले लें, उसको किसी कपड़े में आइस को रख लें, और जहां पर दर्द हो रहा है आपके काफ्स में, अधिकतर यहाँ पे दर्द होगा, इस जगह दर्द होगा, तो उस जगह सिकाई करनी है यार अपने को, तो वहां पे सिकाई करेंगे उससे भी आराम मिलेगा। और जब बहुत ही ज्यादा दर्द है तो रात को सोते समय जब आप सोएं, जैसे जो सुबह रनिंग करते हैं या कुछ लोग शाम को रनिंग करते हैं, जैसे शाम को रनिंग करके आए तो आप सोने जा रहे हैं, तो हल्दी वाला दूध या देसी इलाज, कोई महंगा नहीं कुछ नहीं, हल्दी सबके घर में होगी, ऐसा कोई नहीं होगा जो खाएगा, मेरे यहाँ हल्दी नहीं खाई जाती, हल्दी सभी के यहाँ खाई जाती है और इजिली अवेलेबल, कोई महंगी डाइट नहीं है। हल्दी वाला दूध पीने से आपके अंदर की सारी थकान को ये हल्दी खींच लेगी और आपका स्टेमिना भी बढ़ाएगी और दर्द में भी बहुत आराम मिलेगा आपको। और जब जैसे जो लोग सुबह रनिंग करने जाते हैं तो वो गाइस ये चना
चना खा कर ही रनिंग करें। जो काले चने होते हैं उनको एक बाउल में थोड़ा सा ले लीजिए और रात में अच्छे से धो के रख दीजिए, और सुबह जब उसको धोएं, सुबह जब वो फूल जाए चना तो उसका जो पानी है वो पी लें, इससे आपका स्टेमिना इम्प्रूव होगा। और पानी पी लें फिर चना खा लें, उसके बाद रनिंग करने जाएं, आपको बहुत हद तक स्टेमिना भी स्टेमिना में काफी हद तक इम्प्रूवमेंट होगा, और इससे आपको जो दौड़ेंगे तो उसमें काफी आराम मिलेगा। जब आपका यार स्टेमिना मजबूत होगा तो आपको थकान बहुत कम लगेगी, और जब बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है, जिनको यार किसी से आराम नहीं मिल रहा, तो उनके लिए लास्ट है कि जिस जगह दर्द हो रहा है उस जगह थोड़ी देर तक इस तरीके से, जैसे मैं दिखा दूं, ऐसे 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 दबाना है यार, इस तरीके से अपने पैर को दबाना है, इससे उनको आराम मिलेगी। 5 मिनट 10 मिनट तक अपना जिस जगह पैर में दर्द हो रहा है उस जगह हाथ से यूं 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 ऐसे दबाना है। और आप एक नॉर्मल एक्सरसाइज भी कर सकते हैं, अपने पंजों पर खड़े होना और यूं करना है। सभी लोग समझ गए होंगे, देख नहीं पा रहा होगा यार, मानते हैं बात, पर अपने पंजों के बल खड़े होकर अपने आप को ऐसा करके यूं, बस आपके पीछे की जो है एड़ी एल्ब, इसको उसको ऊपर उठाना है पंजे के बल, आपको बस यूं यूं करना है 5 मिनट तक, इससे आपको काफ में काफी आराम मिलेगा। और अगर आप ये सब फॉलो करेंगे तो यार लेग्स में काफी हद तक आपका दर्द दूर हो जाएगा, और मैं कहता हूँ कि अगर हफ्ते भर आप करेंगे तो पूरी तरीके ही आप ठीक हो जाएंगे, और स्ट्रेचिंग जरूर करते रहिएगा। तो जय हिंद।